अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी नुस्खे जिन बीमारियों से रिलेटेड अब तक आप तक पहुंचाए गए हैं उनको इस्तेमाल कर उनसे आपको फ़ायदा भी पहुंच रहा हो। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चेदानी की सूजन यानी वर्म रहम के तल्लुक से जो माताएं बहनें इन बीमारियों में मुबतला हैं, ठीक है, जैसे लिकोरिया की शिकायत हो या फिर उनको जो है वर्म रहम की वजह से जो है माहवारी वक्त दर्द होता है, ठीक है, पेड़ों के अंदर दर्द रहना, कमर के अंदर दर्द रहना, पिंडियों के अंदर दर्द रहना, तो बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह वर्म रहम यानी बच्चेदानी की सूजन बिल्कुल आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बस आखिर तक आप इस वीडियो को देखते रहें दोस्तों। अगर आपने अभी तक तारी हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी बजाएं, लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये नुस्खे पहुँचें, वो भी इनसे फ़ायदे हासिल कर सकें। वर्म रहम की जो अलामतें हैं जिनको बच्चेदानी पर सूजन होती है, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है उनको, ठीक है, हाथ उसको जो है पिंडियों के अंदर दर्द रहना, कमर के अंदर दर्द रहना, पेट के अंदर दर्द रहना, पेड़ों के अंदर माहवारी के वक्त माहवारी जो है पीरियड्स जो है दर्द के साथ आते हैं, मतलब शुरुआत में जब वर्म ज़्यादा बढ़ता चला जाता है तो पीरियड जो है जिसको मतलब 4-5 दिन होते हैं तो उसको 2 दिन होना शुरू हो जाते हैं, किसी को 3 दिन, किसी को 1 दिन, किसी को बिल्कुल नहीं, ठीक है, धीरे धीरे ही बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें जो है लैट्रिन पेशाब के वक्त भी तकलीफ़ होती है, जिमा के वक्त यानी मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त भी जो है तकलीफ़ होती है। और भी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है, वर्म रहम होता है तो उसमें जो है हमल भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक नुस्खा मैं आपको घरेलू नुस्खा जो है बताऊंगा इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से कंटिन्यू लगातार इस्तेमाल करेंगे परहेज़ के साथ, बाकी चीज़ों का परहेज़ करना है तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो चंद चीज़ें इसके लिए, बस आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें। इसके लिए आपको लेना 6 ग्राम मको खुश्क, सूखी हुई मको जो है ये आपको लेना 6 ग्राम, और गोखरू 6 ग्राम लेने हैं, खरबूजे के बीज ये भी आपको 6 ग्राम लेने हैं। ये एक दिन की खुराक होगी, ठीक है, इसको रात को जो है 200 ग्राम पानी के अंदर यानी एक गिलास पानी के अंदर सारी चीज़ें आपको रात को डाल दें, सुबह को इसको बॉयल कर, ठीक है, इसको बॉयल करें, जोश दें, जब पानी जलकर आधा हो जाए इसको छान लें, छानने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना हो, तो सुबह वो खाली पेट आप इसको पीजिए। जब तक आपका वर्म ख़त्म नहीं हो जाता है आप इस नुस्खे को लेते रहें, इंशाल्लाह इसके अलावा किसी भी नुस्खे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्म रहम यानी बच्चेदानी की सूजन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पीरियड्स में जो दिक्कतें हैं, दर्द के साथ पीरियड्स आते हैं, कमर में दर्द रहना, पेड़ों के अंदर दर्द रहना, जिमा के वक्त दर्द होना, ठीक है, ऐसी तमाम समस्याएँ भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो बेचारे परेशान लोग हैं उन तक ये नुस्खे पहुँचें।